हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। एंड टुडे इज डे 17 और आज हम लोग हैदराबाद से जा रहे हैं बैंगलोर। 552 किलोमीटर्स का राइड है। हम लोग रुके हैं अभी हाईटेक सिटी में और यहाँ से होपफुली अपने को मेन हैदराबाद में एंटर नहीं करना पड़ेगा, बाहर से निकल जाएंगे। और अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। एंड अभी का प्लान ऐसा है कि टाइम हो चुका है 8 o'clock और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हैदराबाद क्रॉस करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या कितना स्ट्रेच कर पाते हैं। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग बाय लंच हम लोग बैंगलोर में होंगे। बाय लंच जिस हिसाब से अभी पैकिंग नहीं है और लोग ऐसे घूम रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि लंच तक यही रहेंगे। तो बाय लंच हम लोग बैंगलोर में होंगे और वहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम लोग लद्दाख राइड ऑफिशियली एंड होने का, और थोड़ा सा मातम भी होगा मंडे को ऑफिस ज्वाइन करने का। थोड़ा सा मातम होगा, बहुत मातम होगा, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। बिल्कुल मन नहीं कर रहे हैं यार। अटल टनल चलते तो सही में। तो अभी कुछ ऐसा हो रखा है वेदर, वेदर तो अच्छा है वैसे, क्लाउडी हो रखा है। होपफुली बारिश ना हो, और जैसे कि आप लोग पता है हम लोगों को थोड़ी सी बारिश होती है ना पूरा रेन जैकेट पहन लेते हैं, लग जाती है। कल वाली राइड में हम लोग क्या किए, 400 किलोमीटर्स कवर किए 4.5 घंटे में। उसके बाद में हम लोग रायत हो गई थी जब राइड कर रहे थे, बाय गॉड क्या मतलब कीड़े मरे हैं, मतलब पूरा हेलमेट वॉर मेमोरियल बन गया है। और हम लोग को बीच बीच में क्लीन करके आना पड़ा, सम हाउ 10 o'clock तक हम लोग पहुँच गए। आज का ऐसे ही रहेगा, आज का भी हाईवे रन रहेगा बट बीच में होगा अमेजिंग फन। वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। लद्दाख सीरीज अगर पूरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, कुछ कुछ बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स आए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज विकेट राइडर ऑफिशियल। स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं रोड पे ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ये देखो आज हैदराबाद में बहुत प्लेजेंट वेदर है, सारी चीज़ें सेट ऑलमोस्ट। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बैंगलोर के लिए और बहुत सही वेदर रखा है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि हैदराबाद में ऐसा वेदर रहेगा, जनरली बैंगलोर में रहता है। बहुत मस्त ठंडी हवा चल रही है, तो फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सही टाइम पे हैं। एंड यहाँ से जितना जल्दी क्रॉस कर पाएंगे उतना ही बेटर है। ये हम लोग आज रुके हुए थे हाईटेक सिटी में, जो होटल का भाड़ा वो था सिर्फ 1280 rupees फॉर 3, तो हम लोगों को बहुत कम पड़ गया। आसपास सारी IT कंपनीज हैं, फ्यूलिंग करवाने पहले तो, क्योंकि 60 किलोमीटर का कुछ रेंज दिखा रहा है। अभी हम लोगों से यहाँ से गलती ये होगी कि हम लोग नेहरू आउटर रिंग रोड ज्वाइन कर लिए, जहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो पूरा यूटर्न लेके दोबारा से इधर आना पड़ा। और गूगल मैप्स इतना बेवकूफ़ है, हमें दोबारा से आउटर रिंग रोड ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। हम लोग नेहरू आउटर रिंग रोड जो है उसके पैरेलली एक रोड चल रही है जो हम लोगों को बाहर निकालती है। ये देखो ये पूरा है उस्मान सागर, बहुत बड़ा मतलब सागर है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से NH44 ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ से बेंगलुरु स्ट्रेट NH44 ही जाना है। और इसी रास्ते से हम लोग एक्चुअली हैदराबाद एंटर किए थे हम लोग, इसी रास्ते से। यहाँ लेफ्ट साइड गाचीबावली और वो सारा एरिया पड़ जाता है, तो इधर का ये सीन है कि आउटर रिंग रोड पे आप लोग बाइक नहीं लेके जा सकते। पास पास में एक रोड चलती है जो इधर उस वाली साइड में ज्वाइन कराती है, एंड देन पीछे जाके एक यूटर्न लेके आना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं, अभी दोबारा से अपना इडली सांभर शुरू हो जाएगा, देखते हैं क्या कहते हैं। चलो आ जाओ, पहले ऑर्डर कर देते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे पूरी सब्जी, और देखो सबके चेहरे कितने खुश हो गए हैं। आया है तो, और गिरोस मसाला डोसा यहाँ से मतलब थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद में डायरेक्ट अपन लोग बैंगलोर खींचेंगे, खा पी लेते हैं उसके बाद में बैंगलोर खींच देंगे क्या। अभी हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट यहाँ भवानी ग्रैंड पे, जो कि जस्ट है थोड़ा हैदराबाद क्रॉस करने के बाद जस्ट 20 किलोमीटर्स पे है। और अभी टाइम हो रखा है 11 o'clock। हम लोगों का प्लान है 4-5 बजे तक पहुंचने का, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है।
सो गाइस अभी अनंतपुर रह गया है यहाँ से 103 किलोमीटर, फ्यूल रेंज है 60, तो अभी फ्यूलिंग करवा लेते हैं। और हुआ ऐसा कि हम लोग आपस में जो तीन राइडर हैं डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं एक्चुअली एक टोल से आगे निकल गया, तो अभी वहीं पे रुका हूँ मैं, और उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे विंड ब्लास्ट एक्चुअली बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बाइक चलाने में, एंड बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। तो उसके चल के अभी हम लोगों को थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा छोटा सा। हाँ रेडी हो गया, हो जाएगा। फ़ोन कनेक्टेड हुआ है, वॉल्यूम नहीं है। अभी हो जाएगा, चला। सो गाइज अपने को मिल गए थे यहाँ पे कुछ लोग, जो हम लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट से जो स्टोरी थी हमारी लद्दाख राइड की सुने, और अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। यहाँ से 3:41 दिखा रहा है टाइम, और 200 किलोमीटर्स कुछ रह गया है। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किया प्लांट, और यहाँ से बैंगलोर रह गया है कुछ ही दूरी पे। मज़ा आ गया राइड का आज का भी। अभी हम लोग गाइज पहुँच चुके हैं लेपाक्षी, और यहाँ राइट साइड से जो रास्ता था वो लेपाक्षी चला जाता है। यहाँ से हम लोग कर्नाटका एंटर कर जाते हैं, और बैंगलोर रह जाता है यहाँ से जस्ट 100 किलोमीटर्स दूर। अभी यहाँ से हम लोग IPC जाएंगे, इंडियन पराठा कंपनी, जो कि है नदेल्स रोड पे, मतलब इस सेम ही रोड पे है। वहाँ पे केक कटिंग करेंगे, छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग चले आएँगे सब अपने अपने घर। काफ़ी सारे पोस्ट जो लेह लद्दाख राइड से हैं वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। माई इंस्टाग्राम ID इज़ विकर राइडर ऑफिशियल, वहाँ से फॉलो कर सकते हो मेरे को, और कुछ भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, कैसे प्लानिंग करना है, कितना बजट लेके चलते हैं, कैसे प्लान करना है। सो गाइस ये देखो, ये है वॉर मेमोरियल लद्दाख राइड का। ये देखो कितने सारे, मतलब यहाँ हर जगह कीड़े मरे। हम लोग जितना भी नाइट राइड किए हैं डेली, मेरी वाली बाइक में भी दिखा था, मेरी वाली बाइक में एक्चुअली यहाँ से लगे हैं इधर, और फिर उसके बाद मेरे मुंह पे बजे हैं। यहाँ से IPC दिखा रहा है 29 किलोमीटर्स मोर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, निकलते हैं, चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं IPC, और ऑफिशियली आज राइड का एंड डे है। मज़ा आ रहा है, सेलिब्रेशन होगी आज तो। क्या बात। और भाई इतनी फास्ट हम लोगों ने राइड खत्म किया। तो अभी कॉन्ग्रेट्स टू ऑल बोथ ऑफ यू। ये फाइनली अपने आप को शाबाशी दे दो। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर वापस। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लेह लद्दाख सीरीज देखिए प्लेलिस्ट से, और कमेंट डाउन करके बताना कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नए डेस्टिनेशन पे नए ब्लॉग में। और फाइनली लेह लद्दाख राइड कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, और कैसी लगी आप लोगों को सीरीज़, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली राइड्स का भी आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज़ विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद।